नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। प्रयागराज में डेंगू पेशेंट को प्लेटलेट्स की जगह मौसम्बी का जूस चढ़ाने की वजह से जान गंवाने का आरोप है। यह सनसनीखेज मामला प्रयागराज के झलवा इलाके से जुड़ा हुआ है। डेंगू होने के चलते प्रदीप कुमार पांडे को एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। आरोप है कि यह मरीज प्लेटलेट्स की जगह मौसम्बी का जूस चढ़ा दिया गया, जिससे उसकी जान चली गई। मामले के सोशल मीडिया में आने के बाद प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया है। प्रदीप कुमार पांडे के साले सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि जब उसके जीजा प्रदीप कुमार पांडे की प्लेटलेट्स घटने लगी और 12-13 हजार तक पहुंच गई, तो अस्पताल के डॉक्टरों ने उनमें से 8 यूनिट प्लेटलेट्स का इंतजाम करने को कहा। इसके बाद प्रदीप कुमार पांडे के परिजनों ने 3 यूनिट प्लेटलेट्स मैनेज किए। इससे प्रदीप की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन बाकी 5 यूनिट प्लेटलेट्स नहीं मिल पा रहे थे। इसी दौरान अस्पताल की बिल्डिंग के मालिक के बेटे सतीश साहू ने उसने 5 यूनिट प्लेटलेट्स का इंतजाम करने के बदले में 25,000 रुपए की मांग की। हार कर प्रदीप के घर वालों ने सतीश साहू से 25,000 रुपए में 5 यूनिट प्लेटलेट्स खरीद लिए। लेकिन जब प्रदीप को प्लेटलेट्स चढ़ने लगा तो उनकी हालत बिगड़ने लगी और अस्पताल प्रबंधन ने हाथ खड़े कर दिए। अस्पताल की तरफ से कहा गया कि प्रदीप को कहीं और ले जाने को कहा गया। प्रदीप के घर वालों 18 अक्टूबर को उन्हें दूसरे निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, लेकिन अब तक प्रदीप की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। प्रदीप की किडनी डैमेज हो चुकी थी, कहीं नसें फट चुकी थी। इसी दौरान 25,000 रुपए में खरीदे गए 5 यूनिट प्लेटलेट्स में से बची 1 यूनिट प्लेटलेट्स प्रदीप के घर वालों ने उसे निजी अस्पताल के डॉक्टरों को दिखाया, तो उन्होंने कहा इसमें प्लेटलेट्स नहीं है, बल्कि प्लेटलेट्स की जगह मौसम्बी का जूस है और केमिकल भी मिला हुआ है। दरअसल प्रयागराज में डेंगू फैलने के बाद इन दिनों यहाँ धंधा जोरों पर चल रहा है। लोग प्लेटलेट्स कालाबाजारी तो कर रही है, साथ ही प्लेटलेट्स की जगह केमिकल मिली मौसम्बी का जूस भी डेंगू पेशेंट को बेच रहे हैं। इसी दौरान प्रदीप की हालत लगातार बिगड़ती गई और 19 अक्टूबर को प्रदीप की मौत हो गई। प्रदीप की उम्र महज 32 साल थी और उनका भरा पूरा परिवार था। सीएमओ ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आज 2 डॉक्टरों की जांच टीम गठित कर दी। इस जांच टीम में मरीजों को मौसम्बी का जूस और केमिकल चढ़ाने वाले अस्पताल के संचालक का बयान लिया। बता दें कि यूपी के प्रयागराज में ये मामला सामने आया कि डेंगू मरीजों को फर्जी प्लाज्मा चढ़ाया जा रहा है, जिसमें मरीजों की हालत और बिगड़ रही है। जांच के दौरान कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। प्रयागराज के आईजी राकेश सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले एक फर्जी ब्लड बैंक का खुलासा हुआ था, जिसकी जांच की जा रही है।